एपिसोड ऑफ एन आर्किटेक्ट कुक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार डिश। दिस इज द चिली पनीर। इट इज अ चाइनीज डिश बट इतनी प्यार से इसको इंडियन पैलेट ने अडॉप्ट कर लिया है कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन इंडियन डिश नाउ एंड इट्स अ वेरी वेरी लव्ड एंड पॉपुलर डिश। तो आइए मैं बताती हूँ कि ये इजी सी बहुत टेस्टी डिश बनाने के हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो चिली पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पनीर। यहाँ पे मेरे पास है 200 ग्राम्स पनीर, जिसको मैंने इस तरह के क्यूब्स में, बहुत बड़े क्यूब्स उसमें नहीं रहते हैं, थोड़े छोटे क्यूब्स में काट के रख लिया। उसके साथ हमारे पास है यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस। सोया सॉस की जो क्वांटिटी है डिपेंड करती है, अगर आप लाइट सोया सॉस कर रहे हैं यूज तो वो थोड़ी ज्यादा होगी, डार्क सोया सॉस कर रहे हैं तो कम होगी, उसके अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हैं। साथ में वी हैव 1 टीस्पून ऑफ चॉप्ड गार्लिक एंड 1 टीस्पून ऑफ चॉप्ड और ग्रेटेड जिंजर, 4 to 5 ग्रीन चिलीज विच कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अबाउट 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर, वी हैव 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली सॉस, दिस ऑल्सो कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू ए टेस्ट, या अगर आप चाहें तो यू कैन अवॉइड दिस, salt to taste, some Kashmiri red chili powder, a few greens of the spring onion, we have 2 tablespoons of tomato ketchup, then we have 1 medium-sized capsicum, jisko is tarah ke squares mein kaat ke rakh liya, 1 medium-sized onion, again leaf, uske petals alag karke is tarah ke chaude squares mein kaat ke rakh liya, other than that we have 1 tablespoon of corn flour, jisko 2 tablespoon pani mein mila ke humne is tarah ka ek mixture bana ke rakh liya, and coat karne ke liye jo paneer ko humne coat karna hai uske liye yahan pe I have 2 tablespoons of corn flour again, other than that I have some oil. In the meantime, while I'm starting all this process, पनीर को डीप फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो मैंने चढ़ा दिया है गरम होना। सबसे पहले हम लोग को पनीर को डीप फ्राई करना है, क्योंकि ये जो पनीर होता है ये थोड़ा सा क्रिस्पी पनीर होता है, देन इट इज कुक्ड विद द सॉसेस। इसके लिए हम लोग पनीर में पहले थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे टू टेस्ट एंड अ लिटिल ऑफ द रेड चिली पाउडर एंड देन वी पुट इन ऑल ऑफ द 2 tablespoons ऑफ द कॉर्न फ्लावर एंड देन वॉट यू डू, इसको बस इस तरह से ये आप थोड़े से एक बड़े बर्तन में लें एंड देन इसको इस तरह से आप पनीर के साथ थोड़ा थोड़ा टॉस करते जाएं। सो व्हाट हैपेंस कि जो पनीर है ना, दैट विल गेट कोटेड विद द कॉर्नफ्लावर ऑन इट्स ओन, क्योंकि पनीर की जो सर्फेस होती है वो थोड़ी सी मॉइस्ट होती है। इस चीज को आप कम से कम 40 seconds के करीब करें ताकि वो कोट हमारी अच्छे से हो जाए। एक बार ये कोट हो जाए तो यहाँ पे मेरे पास पानी है, जस्ट अबाउट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर हमने स्प्रिंकल कर दिया एंड अगेन वी टॉस इट वंस मोर, सो दैट कोई हमारा अगर नहीं अच्छे से किसी सरफेस पे लगा तो उस सरफेस पे भी हम लोगों का ये अच्छे से कोट हो जाए। इसमें जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर होगा वो हमें फ्राई करने में नहीं डालना है, वील जस्ट टेक आउट द पनीर पीसेस एंड फ्राई देम। नाउ वंस दिस इज डन एंड आर ऑयल इज हॉट, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं बनाना पनीर चिली। सो जो ऑयल है हम लोगों का, वो बिफोर वी पुट द पनीर इट शुड बी हीटेड वेल, क्योंकि अगर आप ठंडे तेल में डालोगे हमें पनीर को कुक नहीं करना है, वी जस्ट नीड कि उसकी जो अपर सरफेस है कॉर्नफ्लावर से कोटेड वो अच्छे से ब्राउन हो जाए। इस तरह से हम उठा उठा के फटाफट से अपना सारा पनीर डाल देंगे इसमें। ऐसे उठा के डालने से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर है वो भी नीचे ही रह जाता है और वो फिर इस तेल में नहीं आता। ये डालते ही विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप देख सकते हो, क्योंकि कॉर्नफ्लावर से कोटेड होता है बढ़िया से एंड ऑयल हमारा अच्छे से हॉट होता है, तो इसकी सरफेस हमारी लाइट ब्राउन होनी शुरू हो गई, इट्स जस्ट अ लिटिल मोर गोल्डन एंड देन वी आर रेडी टू टेक द पनीर आउट। सो इन जस्ट अबाउट अ मिनट, अ लिटिल मे बी ओवर अ मिनट और जस्ट अबाउट अ मिनट, ये देखिए ये हमारा जो पनीर है इट इज डन टू जस्ट द काइंड ऑफ द कलर वी वॉन्ट। इस स्टेज पे ऑयल को अच्छे से स्ट्रेन ड्रेन करके और इसको हम लोग निकाल के एक बर्तन में अलग से रख लेंगे एंड वी शट द गैस ऑफ। सो नाउ दैट द पनीर इज डन, हम लोग एक पैन, वॉक, कढ़ाई कुछ भी आप ले लें और उसमें अराउंड जस्ट अबाउट अ टेबलस्पून टू टेबलस्पून एंड अ हाफ हम लोग ऑयल डाल देंगे एंड वी विल वेट फॉर दिस ऑयल टू गेट हीटेड प्रॉपरली। सो वंस द ऑयल इज हॉट वी विल एड द chopped ginger and garlic, along with that we will add the slit green chilies. इसमें ये ध्यान रखिए कि जो भी कुकिंग हमें करनी है वो हाई हीट पे करनी है, क्योंकि इसमें जो वेजिटेबल्स वगैरह हम डालेंगे वो सब हमें क्रंची चाहिए होती है, वी डोंट वॉन्ट कि वो अच्छे से गल जाए, और पनीर भी हमारा ऑलरेडी कुक्ड है तो उसका कोई हमें कुकिंग प्रोसेस में टाइम नहीं चाहिए। बस इस स्टेज पे जब ये हो जाता है हल्का सा, व्हेन इट टर्न्स एरोमेटिक एंड इट हैज लेफ्ट इट्स यू नो फ्रेग्रेंसेस इनटू द ऑयल,
इस स्टेज पे हम लोग जो हमारे अनियंस है वो ऐड कर देंगे। बहुत फटाफट ये पनीर बन जाता है। इस स्टेज पे अब हम इसमें डाल देंगे अपना जो हमारा सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप, मिक्स इट अप वेल। एंड देन जो हम लोगों ने अपनी कॉर्न स्टार्च का वाटर के साथ मिक्स बना के रखा था उसको अच्छे से एक बार मिक्स करते हुए वी विल जस्ट एड इट टू दिस, क्योंकि वी वॉन्ट अ ड्राई स्टाइल ऑफ द चिली पनीर, तो इसीलिए ये हम लोगों का बिल्कुल थिक एक तरह का मिक्सचर इस तरह से बन जाएगा। वंस दिस गेट्स थिकेंड, नाउ व्हाट वी डू इज वी एड द फ्राइड पनीर टू दिस। एंड देन अब गैस इस समय हमें सिम पे कर लेनी है। एंड देन वी विल अलाउ द ऑल दीज, ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, वी विल अलाउ इट टू काइंड ऑफ कोट द पनीर वेल। आप देख सकते हो कि एक बड़ा अच्छा सा इसमें बड़ी अच्छी शक्ल आ जाती है स्टेज पे। इस स्टेज पे नाउ वंस द पनीर इज गेटिंग कोटेड विद ऑल द यू नो सॉसेस एंड द स्पाइसेस, इस स्टेज पे अब हम डाल देंगे अपनी कैप्सिकम, क्योंकि कैप्सिकम हमें कलर भी रिटेन करना है एंड वी नीड टू कीप इट अ लिटिल मोर क्रंची दैन द अनियंस। सो ये कैप्सिकम भी हमने डाल दी। आप देख सकते हो कितना सुंदर इसमें कलर आ गया है। इस स्टेज पे अब हम इसमें डिपेंडिंग अपॉन द यू नो स्पाइस लेवल हम लोग थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देंगे। एंड कीपिंग इन माइंड दैट द सोया सॉस एज वेल एज द केचप हैव सम सॉल्ट, एंड पनीर में भी हमने सॉल्ट डाला हुआ है, सो अकॉर्डिंग टू टेस्ट वील एड द सॉल्ट एंड वील एड अ लिटिल ऑफ द ग्रीन अनियंस टू दिस, वेरी लिटिल, मे बी अबाउट अ टी स्पून फुल, दैट्स इट। सिम पे ये हमारी गैस है। एंड ये देखिए, अगर आपको ग्रेवी वाला पनीर चाहिए तो इसी स्टेज पे थोड़ा सा पानी आप इसमें और डाल दें, एंड इफ यू वॉन्ट अ लिटिल मोर ग्रेवी देन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द कॉर्नफ्लावर टू। बट अगर ड्राई स्टाइल चाहिए तो द पनीर चिली ड्राई स्टाइल इज एब्सोल्यूटली डन। Now we will just shut the gas off and I'll show you how to plate this yummy instant mazedar recipe. So once this paneer is done, hum log bas isko quickly apni serving dish mein transfer karenge. And then thode se jo ye hamare greens hain, bas usse thoda sa half a teaspoon greens hum iske upar dalenge just before serving to give it that beautiful green color. And friends, with that, the very, very simple but very easy chili paneer is ready. अब ये बिल्कुल ही easy recipe नहीं थी, आप बताओ, मतलब 10 मिनट में ये पनीर बनके तैयार होता है, including the frying part. आज तो मैं आपको दिखा रही थी तो I was doing it separately. Otherwise, आप एक तरफ इसको fry करें, एक तरफ आप sauces बनाएं, तो 7 to 8 minutes and your paneer is ready. You can have it as a starter, as an appetizer, as a side dish with fried rice or haka noodles. And it tastes just yum. So that was the recipe for the day. And with that, we come to the end of today's recipe. But it's now time for the tip of the day. So friends, जैसा आप सब जानते हो, मैं अपने हर एपिसोड में एक नई आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड टिप जरूर देती हूँ। तो आज का जो मेरा टिप है, दैट इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। एक मिस्टेक जो कई बार हम लोगों से हो जाती है व्हाइल वी आर कंस्ट्रक्टिंग द हाउस इज कि हम लोग जो फ्लोरिंग है ना वो पहले करा देते हैं, एंड जो दरवाजों की चौखट है वो हम छोड़ देते हैं बाद में लगाने के लिए। दैट शुड नेवर बी डन, बिकॉज द डोर चौखट जो है वो हमेशा फ्लोरिंग के अंदर एम्बेड होनी चाहिए। सो डू रिमेंबर व्हेनेवर द हाउस इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड, सबसे पहले आप वंस द फ्लोर्स आर कास्ट एंड यू स्टार्ट विद द यू नो ब्रिकवर्क एंड थिंग्स लाइक दैट, आप सबसे पहले ब्रिकवर्क के साथ साथ डोर की चौखट को जाम कराते जाएं एंड फ्लोरिंग उसके बाद करें, ताकि दैट जॉइंट बिटवीन द चौखट एंड द फ्लोर इज अ स्टर्डी वन एंड देयर इज नो गैप इन बिटवीन। सो दैट वाज द टिप ऑफ द डे। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज एपिसोड। आई विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे एट 7 PM अगेन विद अ वेरी सिंपल झटपट बट इजी टेस्टी रेसिपी। टिल देन एंजॉय।